Hello everyone and welcome back to my channel. मैं हूँ जसबीर and I hope you guys are all doing good. तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो which is dedicated to all the teenagers out there who have just started how to learn and do their makeup. So इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ बेसिक मेकअप ट्यूटोरियल कि आपको किस तरह से अपने बेस को क्रिएट करना है टू मेक इट मोर फ्लॉलेस एंड स्मूथ, जिससे आप अपना मेकअप जब अप्लाई करें तो वो भी बहुत स्मूथ एंड फ्लॉलेस लगे. बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं कि हमें अपना बेस मेकअप जो है वो बहुत क्लियर रखना है. अगर हम बेस मेकअप अच्छे से नहीं करेंगे तो हमारा मेकअप जो है बहुत ही केकी एंड पैची लगेगा. तो इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कुछ टेक्निक्स छोटे छोटे जो आपको ध्यान रखना है अपने बेस को क्रिएट करने से पहले, एंड इसे किस तरह से अप्लाई करना है इसके लिए आपको देखना है वीडियो को टिल द एंड. वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम हम भूल जाते हैं अपने बेस को अच्छे से क्रिएट करना. तो किस तरह से मैं अपने बेस मेकअप को क्रिएट करती हूँ ये मैं इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ. तो देख लीजिएगा वीडियो को एंड आप भी ये टेक्निक यूज़ कर सकते हैं टू गेट अ फ्लॉलेस एंड अ वेरी ग्लोइंग मेकअप लुक. मेकअप में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है द फर्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इज़ टू डू योर बेस प्रॉपरली. अपने बेस को स्मूथ रखें, क्लीन रखें, जिससे कि जो मेकअप है उसका ग्लो अच्छे से आए, बिल्कुल भी आपका मेकअप केकी ना लगे. बट बेस को करने से पहले हमें अपने फेस को अच्छे से प्रेप करना है बाय अप्लाइंग मॉइस्चराइज़र. आपकी स्किन ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, आप अपने हिसाब से मॉइस्चराइज़र चूज़ करें और अपने फेस को अच्छे से प्रेप करें बिफोर अप्लाइंग एनी फाउंडेशन, एनी कंसीलर, एनीथिंग ऑन योर फेस. बिकॉज हमारा स्किन जो है वो हाइड्रेटेड रहता है. हम जितना भी ऊपर से मेकअप लगाएं, एटलीस्ट हमारा जो लोअर स्किन है वो बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड रहता है. तो मॉइस्चराइजर इज़ अ फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्टेप एंड यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ सेटाफिल टू प्रेप माई स्किन. मूविंग ऑन विद द सेकेंड स्टेप एंड आई हैव सीन गर्ल्स स्पेशली द बिगनर्स ये स्टेप को स्किप कर देते हैं सेइंग कि हमने अपने फेस को बहुत अच्छे से वेल मॉइस्चराइज किया है, सो व्हाई डू वी हैव टू अप्लाई अ प्राइमर. प्लीज़ गर्ल्स डू नॉट स्किप दिस स्टेप बिकॉज प्राइमर जो है बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मेकअप का. आप ये आपकी स्किन को रखता है हाइड्रेटेड, आपके ओपन पोर्स को ये क्लोज करता है एंड इट वर्क्स एज अ शील्ड ऑन योर फेस. जब भी आप कोई हैवी मेकअप अप्लाई करते हो तो ये प्रोटेक्ट करता है कि डायरेक्ट केमिकल आपके जो है फेस पे ना लगे. सो इट वर्क्स एज अ शील्ड ऑन योर फेस. सो डू नॉट स्किप दिस स्टेप बाय अप्लाइंग डो नॉट स्किप दिस स्टेप. प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू अप्लाई प्राइमर बिफोर अप्लाइंग एनी मेकअप. मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट स्टेप एंड दैट इज़ टू अप्लाई फाउंडेशन. आई एम यूजिंग एलेटीन फाउंडेशन. आप यहाँ ब्रश की हेल्प से भी फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो और ब्यूटी स्पंज की भी हेल्प से फाउंडेशन अप्लाई कर सकते हो, वॉट एवर मेक्स यू कम्फर्टेबल. बट द थिंग इज़ यू नीड टू लर्न द टेक्निक इसे किस तरह से अप्लाई करना है. फाउंडेशन को एक साथ अपने फेस पे अप्लाई नहीं करना है कि बस लगा लिया हो गया लाइक अ क्रीम. नो, आपको बहुत ही पेशेंसली एंड स्वीटली इसे अप्लाई करना है इन अ डैब मोशन. स्लोली स्लोली आपको धीरे धीरे टेक योर टाइम एंड अप्लाई द फाउंडेशन. सी कि वो फाउंडेशन जो है अच्छे से ब्लेंड हो चुका है आपके फेस पे, तभी आप नेक्स्ट स्टेप पे मूव ऑन करें. सो लेट्स बिगिन बाय अप्लाइंग द फाउंडेशन. आपको इस तरह से इसे डैब मोशन में अप्लाई करना है, बिल्कुल भी इस तरह से ड्रैग नहीं करना है. स्लोली स्लोली टेक योर टाइम एंड डू इट इस तरह से. थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है बट दिस विल रियली गिव यू अ गुड रिजल्ट. आपका जो फाउंडेशन है अच्छे से स्किन में ब्लेंड हो जाएगा और बिल्कुल भी केकी लुक ये नहीं देगा और इजीली आप दूसरा जो है अपना मेकअप इजीली आप कर सकते हो. mm.
मैं फाउंडेशन को अपने अंडर आईज़ के नीचे बिल्कुल यूज़ नहीं करूँगी बिकॉज आई विल बी अप्लाइंग कंसीलर. सो मैं सिर्फ यहाँ चीक बोन्स की तरफ ही से अप्लाई करूँगी बिकॉज अगर मैंने फाउंडेशन यहाँ अप्लाई किया तो बहुत ज़्यादा ऊपर से अगर मैंने कंसीलर अप्लाई कर लिया तो बहुत ज़्यादा ओवर हो जाता है. सो आई विल बी जस्ट यूजिंग द फाउंडेशन डाउन हियर. ध्यान से देखिए मैं किस तरह से इस फाउंडेशन को अच्छे से ब्लेंड कर रही हूँ. फॉर कंसीलर आई विल बी यूजिंग LA गर्ल प्रो कंसीलर. इसको मैं अपने अंडर आइज के नीचे एंड माई आई लिड्स में अप्लाई करूँगी एंड आई विल ब्लेंड इट वेरी वेल. To set my concealer, I will be using Lakme Rose Powder. To set my rest of the makeup and make it look more long-lasting, I will be using Maybelline Fit Me Compact Powder. So that was all in today's basic makeup tutorial video. I hope you girls find it helpful. Video अच्छी लगी हो तो कर दीजिएगा इसको like and share, कर दीजिएगा channel को subscribe. Don't forget to press the bell icon to get notified whenever I upload a new video. आप मुझे Facebook, Instagram and Snapchat पे भी follow कर सकते हैं. आप सब अपना ध्यान रखिए, stay beautiful and मैं दोबारा मिलूंगी आपको मेरे next video में. Till then take care, bye bye, love you all.